नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पे। तो आइए देखते हैं क्या था इंपॉर्टेंट आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम से रिलेटेड। साथ ही देखेंगे दिस डे इन हिस्ट्री, सम फैक्ट्स अबाउट बिहार, क्विक रिवीजन करेंगे, आर्ट एंड कल्चर एट ग्लांस देखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ बिहार हम देख रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो टॉप हेडलाइंस न्यूज़ कुछ ज़्यादा नहीं थी, कुछ खास न्यूज़ नहीं थे क्योंकि अभी इकोनॉमिक सर्वे और बजट की ही न्यूज़ है तो वो सेपरेटली अच्छे से कवर कर लिया जाएगा। आज जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो सीएम जॉइंस महामंडलेश्वर कुमार स्वामी समागम, इसमें सीएम आए थे, और बीएयू गेट्स क्रिएटर अवार्ड, तो देखते हैं डिस्क्रिप्शन। सीएम जॉइंस महामंडलेश्वर कुमार स्वामी समागम, सो दिस वॉज 447th एडिशन ऑफ दिस समागम। महामंडलेश्वर कुमार स्वामी समागम जो है वो 457 टाइम हुआ था। यहाँ पे इनलाइटनमेंट और यही सब बात पे चर्चा होती है। इसमें एक खास बात बस ये है कि सीएम नीतीश कुमार जो है उनको अवार्ड दिया है, इन्होंने देश रत्न का अवार्ड दिया है, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि सीएम नीतीश कुमार को अभी कौन से अवार्ड से नवाजा गया है महामंडलेश्वर कुमार स्वामी समागम की तरफ से, तो वो है देश रत्न का अवार्ड दिया गया उनको। नेक्स्ट, बीएयू गेट्स क्रिएटर अवार्ड। तो बीएयू जो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इसको मिला है क्रिएटर अवार्ड यूट्यूब की तरफ से। तो अ फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड टेलीफिल्म वॉज सोन बाय बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑन यूट्यूब। दिस वॉज प्रेज नेशनली एंड ग्लोबली एंड गॉट क्रिएटर्स अवार्ड, ठीक है। तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक वीडियो बनाया जो फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उसमें वही दिखाया गया कि कैसे फार्मिंग होती है, क्या समस्याएँ आती हैं एग्रीकल्चर में। तो इसको बहुत प्रेज़ किया गया है नेशनली और ग्लोबली, क्योंकि तो इसके वजह से क्या हुआ है कि इसका सब्सक्राइबर और इसकी जो व्यूज़ हैं बहुत बढ़ गए हैं, जिसके वजह से यूट्यूब ने इसको क्रिएटर अवार्ड दिया है। तो कहाँ, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बस ये है कि कौन से यूनिवर्सिटी को या फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। तो दिस इज़ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसको मिला है क्रिएटर अवार्ड फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। दिस डे इन हिस्ट्री, ओके, सो ऑन 11 February 1847 थॉमस अल्वा एडिसन वॉज बॉर्न। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एसएससी एग्जाम में या बिहार एसएससी में भी हो सकता है कि थॉमस अल्वा एडिसन को हम लोग किस लिए जानते हैं, या फिर हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। तो ही वॉज थॉमस अल्वा एडिसन। सम फैक्ट्स अबाउट बिहार देखते हैं। अच्छा, तो अभी हम अशोका ही देख रहे हैं। हमने अशोका एंड कलिंगा वॉर किया, और तो आज देखते हैं मौर्यन आर्ट एंड कल्चर में क्या था। तो आर्ट एंड कल्चर रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग मौर्यन टाइम्स में आर्ट एंड कल्चर अपने पीक पे था। और भी क्या क्या हुआ था यहाँ पे, तो कौटिल्या ड्यूरिंग मौर्यन टाइम्स वॉज वेरी टैलेंटेड एंड वॉइस पर्सन, ही रोट अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य जो थे बहुत बड़े डिप्लोमैट, बहुत टैलेंटेड, बहुत वाइज पर्सन थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र जो एक टेक्स्ट है उसको भी लिखा है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कि पाणिनि कौन थे, तो वो ये ग्रेट ग्रामेरियन थे, व्याकरण जो बोलते हैं उनको बहुत ज्ञान थी व्याकरण की, और उन्होंने लिखा था एक टेक्स्ट जिसका नाम है अष्टाध्यायी, तो ये भी याद रखेंगे। उपवर्षा कमेंटेड ऑन टेक्स्ट मीमांसा एंड वेदांता, तो वेदांता और मीमांसा पे उपवर्षा जो हैं उन्होंने कमेंट किया था। फिर क्या है, चरक वॉज ग्रेट थेराप्यूटिस्ट ऑफ मौर्यन टाइम्स एंड कंट्रीब्यूटेड मच टू आयुर्वेदा, ही रोट चरक संहिता। तो ये जो थे ये डॉक्टर ही थे और आयुर्वेदा के थ्रू लेकिन ये ट्रीटमेंट करते थे, इसीलिए इनको ग्रेट थेराप्यूटिस्ट भी कहा गया है मॉडर्न टाइम्स का। और इन्होंने जो लिखा था टेक्स्ट उसका नाम है चरक संहिता, तो ये याद रखेंगे। कौटिल्य रोट अर्थशास्त्र, पाणिनि रोट अष्टाध्यायी, चरक रोट चरक संहिता। नेक्स्ट क्विक रिवीजन करते हैं। ओके, सो हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, तो थॉमस अल्वा एडिसन। फिर कौटिल्य रोट, व्हाट डिड ही रोट, ही रोट
अर्थशास्त्र। पाणिनी रोट अष्टाध्यायी। उपवर्षा कमेंटेड ऑन मीमांसा एंड वेदांता। चरक रोट चरक संहिता, याद रखेंगे। तो ये हैंस है, ये सब याद रखेंगे, ये सब प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, रट लेना है बस। आर्ट एंड कल्चर एट ग्लांस देखते हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, इसको हम कर रहे हैं, देखते हैं क्या है आज। ओके, सो इट इज़ आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट गॉट कल्चर इनलिस्टेड इन कल्चरल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983 में इसका नाम लिस्ट किया गया था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। ये कल्चरल हेरिटेज साइट है और देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेड फोर्ट ऑफ आगरा बिकॉज इट इज़ मेड इन रेड स्टोन्स। तो इसका नाम लाल किला भी है, आगरा का लाल किला है लेकिन ये, और इसका नाम है ये, इसको लाल किला इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा फोर्ट स्टार्टेड अराउंड 1565। इनिशियली स्ट्रक्चर्स वर बिल्ड बाय मुगल एम्परर अकबर एंड देन बाय हिज ग्रैंडसन शाहजहां, हु एडेड मैनी मार्बल क्रिएशंस टू द फोर्ट। ठीक है, तो ये दो फेज में बनाया गया था। पहले तो इनको इसको बनाया आगरा फोर्ट को अकबर ने, और फिर इनिशियली जब ये थोड़ा डिग्रेड होने लगा या फिर इसमें थोड़ा सा और इन्हेंसमेंट जो किया वो किया ग्रैंडसन उनके शाहजहां ने। ये कहाँ लोकेटेड है? तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो इसमें क्या क्या है? इसमें है फोर्ट हैज खास महल, सीस महल, दीवानी खास, दीवानी आम, पर मॉस्क, नागिन मस्जिद एंड दिज आर रिमार्केबल फ्यूजन ऑफ पर्शियन आर्ट ऑफ तिमुरिद एंड इंडियन आर्ट। तो ये जो है ये फ्यूज़न है, पर्शियन आर्ट भी इसमें देखा जा सकता है और इंडियन आर्ट भी देखा जा सकता है, इसीलिए इसको कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में रख लिया गया यूनेस्को के तरफ से, ठीक है। एंड इट इज़ सिस्टर मॉन्यूमेंट ऑफ ताजमहल, ठीक है। तो ये सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट आगरा फोर्ट। नेक्स्ट, ओके, हम इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी कर रहे हैं बिहार से, तो देखते हैं आज कौन है इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी। आज की इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है पाणिनी। ओके, सो पाणिनी वॉज एन एंशियंट संस्कृत फिलोलॉजिस्ट, और ये ग्रामेरियन भी थे और ये स्कॉलर भी थे, एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो पाणिनी वॉज ऑल्सो कॉल फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड ही इज़ नोन फॉर हिज टेक्स्ट अष्टाध्यायी। वी हैव ऑलरेडी सीन कि मॉडर्न टाइम्स के ये बहुत बहुत वाइज और बहुत इंटेलिजेंट ग्रामेरियन थे, इसीलिए इन्होंने लिखा था अष्टाध्यायी। तो ये चीज़ है जो हम याद रखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग अस एंड अपडेटिंग योर सेल्फ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नॉलेज ट्रीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।